अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं सत्तू की कचौड़ी, जिसे हम घाटी भी कहते हैं। और ये जो सत्तू का पाउडर देख रहे हैं, इसे हमने मार्केट से ख़रीदा है। अगर आपको ये ना मिले मार्केट में, तो ये बहुत आसान है घर में बनाना। आप जो चने होते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं, उसे लाइए और उसके छिलके उतार के उसे मिक्सर जार में आप इसे पीस लीजिए। इस तरीके का सत्तू की जैसे पाउडर तैयार कर लीजिए। इसे बहुत लोग सत्तू भी कहते हैं और हम लोग घाटी इसे कहते हैं। तो ये है सत्तू की कचौड़ी। तो आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए और कुछ और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है 1 चम्मच। एक प्याज को हमने फाइन चॉप कट कर लिया, जैसे अंडे में हम डालते हैं उस तरीके से कट किया है। यहाँ पे हमने अचार लिया हुआ है, मिर्चे का अचार। अगर आपके पास मिर्चे का अचार अवेलेबल नहीं है, तो आप लेमू का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मिर्चे के अचार में बहुत सारे ही मसाले पड़े हुए हैं, या आप आम के अचार को भी मसाले डाल सकते हैं। और मैंने एक बार घाटी की पूरी बनाई थी, तो उसमें ये आम का मसाला डाला था। तो आज मैं मिर्चे के मसाले का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये 2 मिर्चा हमने इसे कट कर दिया, इसे भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, कटी हुई प्याज, मिर्चे का जो मसाला हमने लिया हुआ है उसे डाल देंगे। ये मिर्चे का अचार है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हम हरी मिर्ची भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसे इसमें थोड़ा सा हम 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, ये रिफाइंड ऑयल। और फिर इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरे घाटी में अच्छे से मसालों को मिला देंगे। हाथों से पहले इसे अच्छे से मिला देते हैं, ताकि सभी जो ये मसाले हैं, जो अचार का मसाला, ये अच्छे से सभी में मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी का डाल के इसे एक फाइन एकदम थोड़ा सा डो तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम आटे का डो रेडी करते हैं, उस तरीके का हम इसको डो रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें इसका कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आटा लिया हुआ है। आटा बिल्कुल सिंपल तरीके से गूंध लेना है, जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से। और ये से बिल आप इसे मैदे में बनाना चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन ये आटे में बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ये बिल्कुल भी ऑयल फ्री है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कैसे कचौड़ी बनाएंगे। तो हाथों में पहले हम सूखा आटा लगाएंगे और लोई बनाएंगे, जैसे एक रोटी का लोई लेते हैं उतना ही हिसाब से हम एक रोटी के तरीके से लोई ले लेंगे। और बीच में हल्का हल्का आटा लगाते हुए इसे हम होल करेंगे, ताकि हाथों में मेरे आटे चिपके ना। इस तरीके से हम करते रहेंगे और आटा लगाते जाएंगे। और फिर इसमें हमने जो घाटी का मसाला तैयार करके रखा है, उसे हम 1 चम्मच लेके इसमें भर देंगे। इसे हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे और इसे हम ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस शेप में, और इसे ऐसे मोड़ देंगे, ताकि ये कचौड़ी हमारी खुले ना। मैंने मूंग दाल की भी कचौड़ी बनाई है, उसमें मैंने आपको हल्का सा बेलन से बेलना सिखाया था। तो आप अगर बेलन का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप इसे पहले गोल शेप दीजिए। हाथों से ही ये कचौड़ी परफेक्ट बन जाती है। और इसे इस तरीके से अपने 3 फिंगर से इसे प्रेस करिए, इस तरीके से हाथों से इसे इस तरीके से प्रेस करिए। अगर आप बेलन से करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए कचौड़ी तैयार है हमारी। तो इसे हम इसी तरीके से सभी को हम बना लेते हैं। इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इस तरीके से हमने 6 कचौड़ी तैयार करके रखा है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले पहला स्टेप हम ये करेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। पानी को अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब पानी बॉयल आ जाएगा, इसमें हम जो हमने कचौड़ी बना के रखी है, हम उसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो हम जब तेल में इसे फ्राई करेंगे, तो हमारा तेल कचौड़ी जो है तेल नहीं पिएगा। तो ये स्टेप को आप बिल्कुल स्किप ना करें। और इसी में हम सभी कचौड़ी को डाल के 5 से 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। और आप इस टाइम में आप इसे हर जब भी अगर आपको पकौड़ी कचौड़ी बना के रखना है, तो आप ये वाला स्टेप करके और फ्रीज़र कर सकते हैं। और आप सुबह के टाइम में जब टिफ़िन देने का मन है, आप निकाल के सिर्फ फ्राई कर सकते हैं। तो 5 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है, और इसे हम पहले निकाल देंगे एक छन्नी में, ताकि इसका पानी अच्छे से गर जाए। और इसे हम
10 मिनट के बाद इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तब हम इसे फ्राई करेंगे। इस स्टेट पे आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे छान के इंजॉय कर सकते हैं। और बरसात के टाइम तो कचौड़ी खाने का मज़ा ही अलग है। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसे ऑयल को गर्म कर लेंगे। तेल को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे और जब हम कचौड़ी इसमें डालेंगे तो तेल की जो आँच है उसको फ्लेम को हम कम कर देंगे ताकि हमारी कचौड़ी जले ना। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम कम कर देंगे और फिर उसमें हम ये 4 कचौड़ी डाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम नीचे को अच्छे से सेकने देंगे, अच्छे से फ्राई करने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। इसे हम 2 मिनट के बाद फिर ऊपर नीचे करके इसे पलट देंगे ताकि इसका कलर एक बराबर परफेक्ट आए। 3 मिनट के बाद ये देखिए हमने इसे देखिए इस तरीके से कचौड़ी तैयार हो गई और ये फूल भी गई है और ये बिल्कुल भी ऑयल फ्री है। इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसे पानी में कुक कर लिया था। और आइए इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये लीजिए हमारी सत्तू की कचौड़ी तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमसे जुड़े, हमारा हौसला अफजाई करें। इस बरसात इसे ज़रूर ट्राई करें।